गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को वाक्य में यूज़ कैसे करें। कई बार आपको बहुत परेशानी होती है, आप इन्हें वाक्य में यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में सही सही यूज़ कर पाएंगे। जो मैंने पहला इडियम लिया है आज का, वह है टू गिव वन अ गुड रिटॉर्ट। टू गिव वन अ गुड रिटॉर्ट। टू गिव वन अ गुड रिटॉर्ट। कई बार जब हम इडियम के अंतर्गत वन या वंस देखते हैं तो हमें वहां परेशानी होने लगती है, हमें क्या करना है उस वन या वंस का, इसमें दिक्कत होती है। मैं आपको आज के इस वीडियो में वही समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए, टू गिव जो है वह वर्ब का बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। वन इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ए गुड रिटॉर्ट यह भी इसका ऑब्जेक्ट ही है। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वन जो किसी मनुष्य को दर्शा रहा है इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ए गुड रिटॉर्ट जो कि थिंग को दर्शा रहा है इसलिए यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हमें करना क्या चाहिए जब हम किसी इडियम को वाक्य में यूज कर रहे हों, वन या वंस मिल जाए तो वन के बदले में हमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा जैसी हमारी जरूरत होगी, और वंस के बदले में हमें पजेसिव एडजेक्टिव आवश्यकता के अनुसार जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स का प्रयोग करना होता है। तो टू गिव वन अ गुड रिटॉर्ट यानी किसी को मुंहतोड़ जवाब देना, मुंहतोड़ जवाब देना। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो टू रेस्पॉन्ड टू समवन वेहेमेंटली, टू रेस्पॉन्ड टू समवन वेहेमेंटली। अब इस पर हम एक वाक्य बना करके आपको बता रहे हैं कैसे यूज किया जाता है। मैंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, मैंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो निश्चित तौर पर जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो आपके पास टेंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मॉडल्स का नॉलेज होना चाहिए, वॉयस का नॉलेज होना चाहिए, तब आप सही ढंग से ट्रांसलेट कर पाते हैं। यह सिंपल पास्ट में है अर्थात सब्जेक्ट प्लस V2 से हमें बनाना होगा। तो आई, मैंने सब्जेक्ट है इसके लिए हमने आई का प्रयोग किया। यह जो वर्ब का बेस फॉर्म है अकॉर्डिंग टू टेंस बदलता है। तो आई गेव। अब लिखना है वन ए गुड रिटॉर्ट, लेकिन वन तो ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया यानी यह हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो आई गेव हिम अ गुड रिटॉर्ट। इस तरह से हम इडियम को वाक्य में यूज करते हैं। आज का दूसरा इडियम है टू टेक वन टू टास्क। टू टेक वन टू टास्क, इसका हिंदी होगा किसी को फटकारना, इसका अंग्रेजी मीनिंग टू स्कॉल्ड समवन होगा। अब आप इसे वाक्य में कैसे यूज करेंगे। शिक्षक ने
मुझे फटकार लगाई, इसी को हम खरी खोटी सुनाना भी कहते हैं। शिक्षक ने मुझे खरी खोटी सुनाई, तो कैसे हम इसे वाक्य में यूज करें? तो शिक्षक ने, यह भी हमने सिंपल पास्ट में दिया है, द टीचर। अब इस टू टेक का, ये बेस फॉर्म है वर्ब का, इसे हमें बदलना होता है। तो द टीचर टूक मी टू टास्क, द टीचर टूक मी टू टास्क। अब आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, 30 सेकंड मैं रुकता हूं, आप इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तीसरा एग्जांपल है टू सेटल वंस अकाउंट विद। तीसरा इडियम जिसकी चर्चा अब हम करेंगे वह है टू सेटल वंस अकाउंट विद। तीसरा इडियम होगा टू सेटल वंस अकाउंट विद। अब यह जो वंस आया है, इसके बदले में हमें जरूरत के अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स का प्रयोग किया जाता है, हमें करना चाहिए। तो टू सेटल वंस अकाउंट विद, यानी अपना हिसाब चुकता करना, यानी टू पे बैक वंस अकाउंट इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू पे बैक टू समवन हुम वन ओज टू, टू पे बैक टू समवन हुम वन ओज टू, ऋणी होना, अपना हिसाब चुकता करना। एग्जाम्पल देखें, तुम्हें उससे अपना हिसाब या हिसाब किताब भी लिख सकते हैं, अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहिए, तुम्हें उससे अपना, देखिए ये अपना जो है यही पजेसिव एडजेक्टिव है और इसी के रूप में हमें वंस को ला करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखना होता है। तुम्हें उससे अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहिए, हमें इसका यूज करना है, तो तुम्हें करना चाहिए, यू शुड सजेशन है, इसलिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड सेटल। अब इस वंस के बदले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज करना है, तो यू शुड सेटल योर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, अकाउंट विद हिम। यू शुड सेटल योर अकाउंट विद हिम, तुम्हें उससे अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहिए। नंबर फोर में मैंने लिखा है टू बेयर वंस हार्ट, नंबर फोर टू बेयर वंस हार्ट मींस दिल खोलकर सब कुछ बता देना, टू शेयर विद समवन एवरीथिंग
इसको अब हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है लेखक के ऊपर या टीचर के ऊपर अपना अपना अलग अलग होता है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं टू शेयर विद समवन व्हाट इज इन वन्स हार्ट, जो हमारे दिल में है वह किसी को बता देना। तो इसे अलग अलग तरीके से, यह जरूरी नहीं है कि यह जो मीनिंग मैं लिख रहा हूँ यही हमेशा मिलेगा या परीक्षाओं में मिलेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता ही मिलेगा। अगर आप समझ लेते हैं इसको तो आसानी से वहाँ आपका आंसर बन जाएगा, आप करेक्ट कर पाएंगे। तो टू बेयर वंस हार्ट, इसे हमें वाक्य में यूज करना है। एक ट्रांसलेशन में लिख रहा हूँ, हमें अपना सब कुछ सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह के वाक्यों में हम इसका यूज करेंगे। तो करना चाहिए मॉडल वर्ब की जरूरत है, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट। अब आप यहां देख लें, बेयर है तो बेयर लिखे, वी शुड नॉट बेयर। वंस है तो वंस के लिए यहां सब्जेक्ट देखें, वी है तो आवर लिख लेंगे, वी शुड नॉट बेयर आवर हर्ट। विद एवरीवन, अब आप पुनः इसे नोट कर लें, जल्दी जल्दी नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक और नंबर 5, टू ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट, हिंदी में कहें अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इट मीन्स अपनी प्रशंसा खुद करना, यानी इंग्लिश मीनिंग इसका होगा टू प्रेज वनसेल्फ, टू प्रेज वनसेल्फ। इसे हम वाक्य में यूज करके दिखाते हैं आपको। वह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का आदि है। अब यहां आदि है तो आदि है यानी यह यूज्ड टू या हैबिचुएटेड टू से बनाया जाएगा। स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा, जब तक आपको स्ट्रक्चर से याद नहीं होंगे आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे ठीक ढंग से। तो वह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का आदि है, तो ही इज used to, हम यहाँ he is habituated to भी लिख सकते हैं, he is in the habit of भी लिख सकते हैं। अगर इसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो he is addicted to भी लिख सकते हैं। तो he is used to blowing, अब used to के पहले जब is mar was var लगता है तो हमें gerund का प्रयोग करना पड़ता है। तो he is used to blowing his own trumpet, he is used to blowing his own trumpet। तो इस तरह से आज के इस सेशन में मैंने आपको 5 idioms and phrases को वाक्य में यूज करके दिखाया और सिखाया।
इस तरह से फिर आगे के वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण idioms एंड phrases लेकर के आऊंगा. ओके, विद दैट इट इज ओवर. थैंक यू वेरी मच.